राजधानी पटना में खूनी तांडव जारी है। आपको बताते चले कि बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित हर्ष भवन के सामने अज्ञात दो अपराधियों ने स्विफ्ट डिजायर पर सवार एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी। जिस व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ इलाज इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही सचिवालय थाना सहित सेंट्रल एसपी मौके बर्दात पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी में जुट गए हैं। सचिवालय डीएसपी ने बताया कि आज दिनांक 17 तारीख को सचिवालय थाना अंतर्गत हर्ष भवन के पास एक कार सवार दो युवक को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिकी दर्ज करते हुए मौके पर लगे आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ पटना से टीम की रिपोर्ट। आज दिनांक 17/4/24 को अपराह्न लगभग 4 बजे दो व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से हज भवन के नज़दीक पहुंचे। हज भवन के निकट पहुंचने पर दो बाइक पर सवार चार अपराधकर्मी इनको रुकवा कर बात किए और इन पर गोली चला दी, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों व्यक्ति को IGMS में भर्ती कराया गया है। ये एक व्यक्ति का नाम राजू कुमार है, जो जगमाल बिघा सुरुपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम बब्बू कुमार है, जो मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों व्यक्ति अभी उनका इलाज किया जा रहा है और ये खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर CCTV फुटेज अवलोकन किया जा रहा है और अपराधकर्मियों की पहचान और अपराध में प्रयुक्त गाड़ी की पहचान की जा रही है। अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान जारी है।